दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बनारसी दास गुप्ता जी के दौर की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन सिंह। इस कड़ी में आइए जानते हैं कुछ और दिलचस्प और रोचक बातें। कुछ बड़े हुए तो उसके पिताजी ने कहा, तू धारडू जाया कर भाई पढ़ने के लिए। हमारा पड़ोसी गांव एक धारडू पंडित स्कूल तो होगा नहीं वहाँ पर। हाँ ना, एक पंडित जी थे, वो मुंडी सिखाते थे। मुंडी भाषा होती है बनियों की, अच्छा भाई, में जो लिखी जाती है उस पर ऊपर मात्रा नहीं होती। हाँ, वो मैंने भी देखे हैं, सीधे सीधे शब्द। हाँ, उसको मुंडी बोलते हैं। अच्छा, तो जी क्योंकि बनारसी दास तो बच्चा था, वो धारडू जाने लगा मुंडी सीखने के लिए। दो या तीन मास गए होंगे, उनका वो बात समझ में नहीं आई। उन्हें अपने बापू से आके कह दिया, बापू मैं धारडू नहीं जाऊँगा। अच्छा, क्यों? मुझे ये बनियों वाली भाषा नहीं सीखनी, तो मैं तो इस स्कूल में पढ़ूँगा। ठीक है, स्कूल में नाम लिखा दिया जी। तो फिर इसने हरिजन बच्चों की टोली तैयार कर ली। अच्छा। वो फिर आने लगे तो पंडित जी ने फिर वही दो लाइन बना दी। तो हवलदार राम सिंह ने उनको बताया कि तुम गली गली घूमो और नारा लगाओ और तुम्हारी एक समिति बना लो। अच्छा, बाल क्रांति शुरू हुई। हाँ, बाल हितकारिणी सभा बनाई थी। अच्छा, बनारसी दास गुप्ता ने राम सिंह हवलदार के निर्देशन में, और गली गांव के गली गली में उन्होंने एक दिन आंदोलन किया, फेरी लगाई। अच्छा भाई, सबको पढ़ने का अधिकार है। गांधी जी के प्रभाव वाला दौर था और सब। हाँ हाँ, जब भी गांधी जी का दौर चल रहा था तो जी गांव में इसकी बड़ी भर्त्सना भी हुई और बढ़ाई भी हुई, दोनों बातें हुई। फिर रामस्वरूप दास जो उनके पिताजी थे, उन्होंने कहा, भाई पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो अपने घर काम कर। उन्हें कहा, पढ़ूंगा लेकिन इनके साथ पढ़ूंगा। अच्छा, दलितों के साथ। हाँ, तो जिस समय पाकर तीन क्लास तक पढ़ाई हो गई। शुद्ध ने भी तीन क्लास पास कर ली, और बच्चे थे काफ़ी, उन्होंने 20-30 बच्चे पढ़ते थे सारे गांव के। खैर, जिस समय पाकर के पाँचवीं तक का स्कूल हो गया। दो तीन किलोमीटर चल करके गांव की तलाना है एक, वहाँ आठ का स्कूल होता था, पाँच का। पाँचवीं क्लास पास करने के लिए बनारसी दास गुप्ता को कितलाना प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया उसके बाप ने। तो वो पैदल जाते थे क्योंकि साधन ही नहीं थे। और वहाँ से पाँचवीं पास करने के बाद बनारसी दास गुप्ता ने अपने बेटे को जोजू मिडिल स्कूल होता था, अच्छा, वहाँ एडमिशन करा दिया। वो भी काफ़ी दूर पढ़ते हैं। और जोजू तो बहुत दूर है, पहाड़ के बीच में, वहाँ रहना पड़ा होगा उनको। हाँ, हॉस्टल था, उसमें रहते थे, एक पंडित जी पढ़ाते थे वहाँ। अच्छा, तो जी वहाँ उनके एक मित्र थे गाँव पैतावास खुर्द के, सत्य सत्यव्रत जी। जी सत्यव्रत जी जो थे वो जाट जाति से बिलोंग करते थे, परंतु विचार उनके विक्रांतिकारी थे, तो दोनों की खूब बनती थी जी। अच्छा, तो बनारसी दास गुप्ता सुबह माने उसे एक पीपी में घी, छोटी सी डोली में, और एक गठड़ी आटे की लेकर सिर पर रखकर पैंतास चले जाते। अच्छा, पैंतास सत्यव्रत की माँ उनको रोटी खिलाती, लस्सी पिलाती, और दोनों साथ जोजू चले जाते पढ़ने के लिए। और सप्ताह अंत में दोनों वापस साथ आ जाते। इसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, सुबह 4 बजे जल्दी निकल गए बनारसी दास जी गाँव से, और वहाँ गए जो ये के नाम पैंतावास। तो पैंतावास जाने के बाद पता चला कि आज सत्यव्रत तो नहीं जाएगा। अच्छा, तो अकेले ही वो जोजू के लिए निकल पड़े पैदल। तो पहाड़ क्रॉस करना था, कच्चा एक रास्ता था, पहाड़ काट के बनाया हुआ था। तो पहले कहानियाँ बड़ी होती थी भूत प्रेतों की, भूत होते हैं, तो वहाँ सू 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 की आवाज गुजरती है, तो आवाज भी आती है पहाड़ के। नहीं, आगे क्या था, महिलाएं थी वैसे तो, लेकिन बनारसी दास को लगा कि आज जो भूत है ना, कहते हैं लोग भूत होता है वो आज है, आज तुझे खाएगा। तो बोला जी, वो उन जमाने में 22 और 45 की बीड़ी होती थी, 545 नंबर और 22 नंबर। तो बनारसी दास गुप्ता आठवीं मोड़ने के बाद बीड़ी पीने लगे थे 22 नंबर की। अच्छा, तो माचिस बीड़ी जेब में थी ना, तो उसने भय के लिए, लोगों ने कह रखा था भाई अग्नि के पास भूत नहीं आता, बीड़ी चास ले तो भूत। बीड़ी, हाँ, तो उन्होंने बीड़ी चास ली जी, और भय के मारे कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने लगे तो सूंसों की ध्वनि और तेज हो गई जी। भय के मारे पैर आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन मन बढ़ता जा रहा था जी। बहुत नज़दीक जाके देखा तो महिलाएं जा रही हैं, और उनके छड़े पहाड़ी के दोनों तरफ घिस रहे हैं, और उनकी सूंसों की ध्वनि आ रही। उनके पास जाके पूछा, तुम कौन हो? उन्हें बताया, भी हम तो जोजू की
दाणकी है, दाणक जाति से संबंध रखते हैं, तो इतने जल्दी तुमने ये छड़ी क्यों काट ली है? बोले दिन में हमें कोई काटने नहीं देता। अच्छा, सुबह सुबह काट, सुबह सुबह हम काट लेंगे। बोले मैं तो डर गया था, क्यों? मैंने तो भूत नहीं सोचा था हमको, तो हमारे को खैर जी ऐसे तैसे करके वो हॉस्टल में पहुंच गए और जाके अपने अध्यापक को ये बात बताई, भाई आज मैंने भूत देखे। अध्यापक ने बड़ी प्रशंसा की। फिर सत्यव्रत जी आ गए पैतावास से कुछ दिन के बाद। दोनों मित्रों ने वहाँ से आठवीं पास की थी। फिर इनके पिताजी ने कहा कि भाई बोल, मैं आगे पढ़ूंगा। आगे पढ़ने के लिए फिर दादरी में वैसे स्कूल होता था एक प्राइवेट, दोनों ने वहाँ एडमिशन लिया जी। वहाँ से दसवीं पास की दोनों ने। फिर आगे पढ़ने के लिए इनको लाहौर भेजा गया। सत्यव्रत जी तो लाहौर चले गए और ये पिलानी चले गए, बनारसी दास गुप्ता जी। तो उन दोनों पैसे तो होते ही नहीं थे ना जी, वहाँ एडमिशन फीस के लगते थे 50 रुपये। तो बनारसी दास गुप्ता के पिताजी ने उसको 100 रुपये और किराया अलग से दे के भेज दिया। अच्छा, वहाँ गए तो मुनीम ने, उन दिनों क्लर्क नहीं मुनीम बोलते थे, मुनीम ने को जा करके वो 100 का नोट दिया एडमिशन के लिए, तो मुनीम ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो 100 के नोट की करनी फटी हुई थी। अच्छा। और पुराना नोट था। अब सोचा भी अब क्या होगा, वो मायूस हो गए, वापस आ गए, हॉस्टल में किसी ने घुसने नहीं दिया, तो सड़क पे बैठ गए। सड़क पे बैठ गए तो बिड़ला जी आए जीप में, उन दिनों कार नहीं होती थी, बिड़ला पिलानी वाले जो पिलानी वाले। देखा को लड़का ऐसे बैठा है भाई, थैला लिए। हाँ क्या बात है रे, कैसे? बोला जी मैं तो दाखिले के लिए आया था और मेरा नोट नहीं लिया मुनीम जी ने। क्या हुआ? बोले नकली है, दिखाओ। वो नोट दिखाया तो वो कुछ फटा हुआ था। ठीक है, शाम को तुम वहाँ आ जाना मेरे बंगले पे। वो शाम को गए तो गंजा, वो जो बिड़ला जी थे उन्होंने कहा कि भाई इसका नोट बदल दो। मुनीम जी ने नोट बदल दिया। फिर ये भी आदेश दिया कि इसको एडमिशन दे दो। अच्छा, इस तरह से उनका एडमिशन हो गया 11वीं क्लास में। उधर से आज़ादी का आंदोलन जो था वो तीव्र होने लगा, तेज होने लगा। तो बनारसी दास की धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी गुप्ता पढ़ाई के चक्कर में कस्तूरबा गांधी स्कूल लाहौर अच्छा में पढ़ने के लिए और कताई वगैरह के लिए भेज दी। वो कहाँ की थी? तिगड़ाना गांव, तिगड़ाना की। अच्छा, और इधर 47 में मारकाट शुरू होगी। तो बनारसी दास को बड़ी चिंता हुई। बनारसी दास शादी हो चुकी थी उनकी, शादी हो चुकी थी। वो स्कूल भेज रखी थी, वो कस्तूरबा गांधी स्कूल लाहौर में कताई बुनाई और शिक्षा तीनों भेजी हुई। हाँ, और खाना वहाँ पर हॉस्टल की तरफ से होता था जी। अब गाड़ियाँ भर भर के इधर उधर लाशों की आने लगी, तो बनारसी दास को बड़ी चिंता हुई। उसके पिताजी, क्योंकि साधन नहीं थे, केवल रेल चलती थी, माने तो रेल भी चलती थी। तो उसके पिताजी सुबह आए, भाई बनारसी बहू कहाँ है? भाई बहू तो लाहौर है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए, नहीं तो मुझे मुन मत दिखाना। अगले दिन बनारसी दास गुप्ता सुबह वाली गाड़ी में चढ़ के और चल पड़े मारकाट में। हाँ, बठिंडा चले गए जी। बठिंडा पहुँचने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई लाहौर कैसे जाया जाए, तो कोई ट्रक जा रहा था लाहौर। अच्छा। हाँ, उस ट्रक में पीछे लटक लिए बगैर बताए। अंदर गए तो क्लीनर था उसमें, उन्होंने कहा कौन हो, कहाँ जाना है? लाहौर जाना भाई, मुझे तो लाहौर जाना है, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे फंसी। जाति क्या है? जाति तो बनिया हूँ, किसी को बताना मत। अच्छा, हम तेरे को लाहौर छोड़ देंगे। इस तरह से वो लाहौर पहुँचे। लाहौर जा करके देखा तो आग लगी हुई थी चारों तरफ, गलियों में हिंदुओं को मारा जा रहा था बुरी तरह से, और ये वहाँ फंस गए जा मरने पहुँचे। हाँ, तो शाम होने के इन्होंने इंतज़ार की। अच्छा, बाहर बैठे रहे और जब अंधेरा होने लगा तो गलियों में इधर से उधर से घूम फिर के बच बचा के ये उस हॉस्टल में पहुँच गए जहाँ द्रौपदी गुप्ता थी। अच्छा, उसको लेकर के रात को ही निकल पड़े, भाई सुबह हो गई तो हमें मार देंगे लोग। और जैसे तैसे करके वो लाहौर स्टेशन पे पहुंच गए और लाहौर स्टेशन के भी अपोजिट में जो जंगल पड़ा था उसे एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए छिप के, भाई यहाँ कोई देखेगा नहीं। अच्छा, और गाड़ी पहले कोयले की होती थी, छोटी लाइन होती थी, जो ही गाड़ी आई वो बारी बारी से गाड़ी में चल गए
और सीट के नीचे ऊपर तो मार देते, एक तरफ बनारसीदास गुप्ता एक तरफ द्रौपदी गुप्ता, और गाड़ी चल पड़ी और जो ये गाड़ी बठिंडा पहुंची दोनों सीट पर बैठ गए। गजब है ये तो, गदर फिल्म से भी गदर करेंगे। फिर जी